इतने लोग छोड़ने आए हैं। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। और दोस्तों आज यहाँ पे एकदम मस्त धूप लग गई है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना धूप का मज़ा लेना है तो बिल्कुल बैठ जाओ आज धूप में, इतनी बढ़िया धूप लगी है। अभी शाम तक का तो कोई पता नहीं, लेकिन अभी सुबह के टाइम पे जो है ना बहुत मस्त धूप आई हुई है, एकदम बढ़िया। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आपको लग ही रहा होगा पीछे से कैसे चमक रहे हैं सारे कुछ। ये देखिए पहाड़ बिल्कुल धूप में चमक रहे हैं पूरे पूरे, ये देखिए मस्त धूप लगी हुई है आज। और बिल्कुल धूप से हिलने का मन नहीं कर रहा अभी, बस दिल कर रहा कि धूप में बैठे रहूं। धूप तो कल भी थी लेकिन कल हवा चल रही थी और कभी चली जा रही थी, बादल भी लगे हुए थे, लेकिन आज बिल्कुल स्काई क्लीन है। ये देखिए सारा स्काई एकदम बिल्कुल क्लीन है, आज कहीं पे बादल नहीं है। ये देखिए तो दोस्तों स्वागत है फिर आपका आज के ब्लॉग में, और करते हैं फिर आज का ब्लॉग शुरू। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो दोस्तों आज जो है हमारा यहाँ पे भागवत कथा का लास्ट दिन है। लास्ट दिन क्या है कि आज हवन होगा और आधे दिन का फास्ट है, आप आज हमारा आधे दिन का फास्ट रहेगा, क्योंकि 1-2 बजे तक मेरे ख्याल से आज भंडारा है, तो वो सब हो जाएगा। हवन करने के बाद हमारा व्रत खुल जाएगा, तो अभी हमें वहीं जाना है, जो भी हवन वगैरह होगा पूजा होगी जो भी उसमें जाना है अभी हमारे को। तो तैयार हो गए हम, नहा धो के तैयार हो गए हैं, और अभी 9 बज गए आज, सारे लोग तैयार पूजा में जाने के लिए। अभी ए बच्चों इधर आओ, चलो इधर आओ, इधर 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 भी आओ, इधर आरु सतरो आ जाए, सतरो भाई सही, वेरी गुड। आरु दादी को देख, गुन्ना आज तो आरु गुन्नी इधर देखो, इधर देख मार लग, आजा चलो मेरे साथ चलना, आजा मम्मी साथ जाएगी। अच्छा चल ठीक है, हम जा रहे हैं फिर। हम आपकी मम्मी अभी लेट आएगी, भंडारा होता रहे, उनकी पिटाई हो जाए। धूप बहुत कम आती है, ये देखो ये सफेद सफेद सी ये गिरी हुई है, वो बहुत ज्यादा गिरी हुई थी सुबह के टाइम पे, तो पूरा वाइट हो जाता और इसमें हो जाती फिसलन, ये देखिए। और ये है हमारा पानी का नवाला जिसे बोलते हैं, लेकिन इसमें आजकल पानी आ रहा, बारिश वारिश हुई थी तो इस वजह से खूब पानी आ रहा है इसमें। ये बहुत पुराना हमारा है, देखो ये दिखाता हूँ मैं आपको नजदीक से जाके, ये देखो यहाँ से निकलता पानी इसमें से, ये देखो। और ऐसे गर्मियों में इसमें पानी नहीं आता, जब बरसात होती तभी पानी आता है यहाँ पे। और अब यहाँ पे ये नल लगा हुआ है एक, ये देखिए। और प्रधान साहब ठीक ठाक साहब, हाँ आ जा जूली, बकरी की रखवाली कर रही तू,
ये देखिए दो दो बकरियां एक एक जैसे कलर की हैं, और ये जूली इनकी रखवाली कर रही है। और इस तरफ धूप आई हुई है, देखो चमक रहा पूरा धूप में इधर की तरफ। ये गांव के घर नीचे और ऊपर की तरफ है इधर, ये देखिए। और ये रास्ता है बीच का, ये है हमारे गांव की गलियां। देखो गांव में सरसों, जगह जगह पे सरसों के खेत हो रखे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये देखिए। और ये घास के पलखुंडे, ये देखिए। और सामने की तरफ यहाँ पे गाय बंधी हुई है, कई गौशाला है। और भाई साहब हाँ आगे जी। और यहाँ पे आ गए हम पूजा के लिए, ये है जहाँ पे हो रही है हमारी पूजा नीले पंडाल में। ये देखिए ये है हमारी चाची औरों का घर। चलो भाई तुम अभी खाई पी रहे हो, और भाई साहब बुरी चल है पूजा में नहीं चलना। और ये आ गई रसोई हमारी, भाई लोग लगे यहाँ पे खाना पीना बनाने के लिए, चाय पानी चल के लिए। चाय चुई बन रही है, आलू वालू बन रहे हैं। ये देखिए आज धूप आई तो सबके कपड़े बाहर निकल आए हैं। भगवान पूरे ऊपर पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अभी मैं पहुंच चुका हूँ पूजा के लिए यहाँ पे, तो चलते हैं अंदर। चामुंडागणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मातरा रोगान शेषान पहंच दुष्टा पुरुषा चुकामांच कलान विष्टां त्वामाश्रितानां नभिबन्धराणां त्वामाश्रिताश्रितां प्रयान्ति सर्वपातन विनुर्मुक्तो धनधान्यासदानुतो मनस्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया। या देवी सर्वभूतेषु कल्याणरूपेण संस्थिता भगवते गौरजासुरसमात्रिकाय नमः ध्यानं सपरम। ओम हरि ओम विष्णु दीपकाय नमः सकल पूजनार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम विष्णु कलशाय नमः पंचोपचार गंधा। वारी तो अपना यारू क्यों छुपारी तुम मुंह अपना क्या डांस हो रहा है यहाँ पे बच्चों का मस्त। ओ वेरी अरे वाह 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 हाय गाइस हाय गाइस क्या कर रहे हो गाइस। और ये हवन मंडप तैयार हो गया है, यहाँ पे होगा हवन अभी। और इधर से कुछ इस तरह से हमारे गांव का व्यू, खुल के धूप आई हुई है देखो।
और ये सामने दूसरा गांव। परसों यहाँ बर्फ पड़ी थी ऊपर वाले एरिया में, आज बिल्कुल पिघल गई है बर्फ। आज का खाना तैयार हो रहा है। आज क्या है? आज है छोले, चावल, पूरी, रायता। अच्छा, और पापड़। बहुत कुछ आज है, बहुत कुछ आज। तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? कौन सी गेम? कौन सी गेम खेला दिखा? बस। अच्छा, कहाँ कहाँ बैठ के गेम खेल रहे हो? पूजा हो रही है या तुम गेम खेल रहे हो? अच्छा, तो दोस्तों, अभी बज गए हैं दिन के 1:30 बजे हैं और अभी हमारा जो हवन का कार्यक्रम था वो भी समाप्त हो गया है और इसी के साथ ही हमारी भागवत कथा भी समाप्त हो गई है। तो अभी जो है पंडित जी की विदाई हो रही है और ब्यास जी की विदाई हो रही है, तो अभी हम उनको छोड़ने जाएंगे और उसके बाद फिर भंडारा होगा यहाँ पे। ऊपर आ रहे हैं, मिलते हैं। भंडारे का खाना भी बन रहा है, पूड़ियाँ बन रही है और खाना भी चल रहा है साथ साथ में। ब्यास जी की विदाई हो रही है, हमारे इतने भी पंडित है सबकी विदाई हो रही है अभी। लग नहीं तेरी बेटे बनाते हैं। जाना है बच्चे के पास, तूने जा तो बामन के पास जा। ये देखिए कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे छोड़ने के लिए उनको, पूरा गांव यहाँ पे आया हुआ है।
छोड़ने आए हैं। तो दोस्तों ब्यास जी की होगी है विदाई और सारे पंडित लोगों की भी होगी है विदाई, और जो हमारे गेस्ट बुलाए हुए थे वो लोग भी ऑलमोस्ट चले ही गए हैं, अब हम घर के लोग ही बचे हुए हैं यहाँ पे। ये रहा तेरा टोपा, ये आग सेंकी जा रही है हमारी यहाँ पे। जलाना भी आता था चूल्हा ऐसी और क्या, फिर जलाया हो तब ना। नहीं जलाया मेरे भाई, पर कोशिश करते हैं क्या। चाची छू तो ले गया नहीं, छू तो लगा नहीं कर।